यशोमती मैया के नंदलाला। क्रिसमस और जो मानवता के शत्रु हैं, उनके जीवन में ये नाम अशांति, असुरक्षा, भय उत्पन्न करेगा। पर सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए ये नाम शांति, संतोष और सुख का सूचक होगा। कहां से आ रही है ये ध्वनियां? कहां से आ रही है ये ध्वनियां? स्वामी, महाराज, कैसी ध्वनि महाराज? कृष्ण, जे नाम अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा, जे ही तेरी मैया का आशीर्वाद। संसार मुझे कृष्ण बुलाए या नीलमणि कहकर पुकारे, मैं रहूंगा तो बस यशोमती मैया का नंदलाला। गुरुदेव, आपने मेरे लल्ला को इतना प्यारा नाम दियो है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गोपियों को पता चलेगो तो देखना कैसे रटने लगेंगी मेरे लल्ला का नाम। इससे पहले कि आप सब बाहर जाकर किसी और को बताएं, एक कर्मकांड शेष है। नामकरण के बाद पिता को आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ उपहार बालक को अवश्य देना चाहिए। मैं क्या दूं? वासुदेव मेरे शिष्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में ये दायित्व मैं निभाऊंगा। इसे अपने पिता की ओर से स्वीकार करो पुत्र। कल्याण हो। क्या दूं मैं इसे? आप सोच क्या रहे हो? आशीर्वाद दो ना अपने कृष्ण को। अच्छा, सोच रहा हूं कि लल्ला को क्या दूं। लल्ला, तू स्वयं ही बता दे तुझे क्या चाहिए।
देखो जी, लल्ला ने ही आपकी उलझन समाप्त कर दी। मेरा आशीर्वाद कि तेरा जी नाम कृष्ण तेरी प्रजा के लिए बहुत हितकारी हो। गुरुवर, आप भी इसे आशीर्वाद दें। जिनके आशीर्वाद से यह पूरा संसार संचालित होता है, उन्हें मैं क्या आशीर्वाद दूं? आपने तो मुझे मेरा नाम दिया है ऋषिवर। ये तो मेरा सौभाग्य था प्रभु कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। पर आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ ऋषिवर, एक विनती और है मेरी। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा मुझे? बाबा को मेरी वास्तविक पहचान बतानी होगी आपको, और इन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि ये मैया को कभी भी मेरा सत्य पता ना चलने दे। पर प्रभु, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आप ही कर पाएंगे ऋषिवर, क्योंकि अब आप इस कृष्ण अवतार के मुख्य उद्देश्य को जानते हैं। बंद करो ये ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ? ये ध्वनियाँ बंद करो, बंद करो। क्या सुनाई दे रहा है आपको? ये शाम तुम्हें चारों में गूंज रहा है। भरत, भरत समझी। रुक जाइए। मुझे मारा। आप भूल रहे हैं कि आप मथुरा नरेश है, कंस है आप, और किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना से महाराज कंस इतने व्यथित नहीं हो सकते कि वो सुदबुख खो बैठे। स्वयं को संभालिए महाराज। बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गया वो स्वर, बंद हो गई वो ध्वनिया। राफी, यूं मत सोचना कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा था। तुम सत्य कह रही हो, मैं कंस हूं। किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना से व्यथित नहीं हो सकता। दुर्जन जी महाराज, इस सिंहासन को पुनः स्थापित करो। यदि कोई भी योग्य है इसे स्वयं सिद्ध करने नहीं आता तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे उस दुष्ट बालक का संहार करना है। मैं भली भांति जानता हूं। ये दायित्व आपको ही निभाना होगा ऋषिवर। इससे दो लाभ होंगे, एक तो मेरे बाबा कंस के कारण होने वाली चिंता से मुक्त हो जाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर मेरी पहचान को मैया से सुरक्षित रखने में सहायता भी करेंगे। नंदराज, अब बलराम और कृष्ण दोनों को भूख लग गई होगी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं नंदराज, मुझे शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। राजा वासुदेव और रानी देवकी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे आपको कुछ बताना है। गुरुदेव,
आपके ललाट पर बल पड़ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप मुझे कंस के बारे में तो ना बताना चाहते? गुरुदेव, मैं जानता हूं कि कंस नवजात शिशुओं की हत्या करवा रहा है। कंस नहीं, कृष्ण के बारे में कुछ कहना है मुझे। बताइए गुरुवर। मैं एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं नंदराज, जो है तो वरदान, पर उसे स्वीकारना आपके लिए बहुत कठिन होगा। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ ना पा रहा हूं। बताइए ना। बताइए ना गुरुवर। सत्य यह है नंदराज, कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। और वो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। अशोक, विचित्र लग रहा है, कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। सिर्फ कैसे संभव है गुरुदेव? वो तो नंदा सा बालक। वो श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? और गुरुदेव, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो मेरा लल्ला वसुदेव भैया का पुत्र है? यही सत्य है नंदराज, पिछले जन्म में मिले वरदान का फल है ये। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। इस समय मैं विवश हूं, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। प्रभु, श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। दो जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और दो जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। धरा, माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। ये जो भी हो रहा है प्रभु की ही लीला है। कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद भगवान विष्णु के आदेश पर वासुदेव जी के यहां आना पड़ा, और आपकी और रानी यशोदा की पुत्री को
अपने पुत्र के साथ बदलना पड़ा। और इस तरह कृष्ण आपके और रानी यशोदा के पुत्र बन गए। आपने सही कही थी गुरुदेव, जो सुनने में तो वरदान ही लगतो, पर इसे स्वीकार करना उतना ही कठिन। जब यशोदा को इस बात का पता चलेगो तो उसे कैसा लगेगा? अपने नाम का अर्थ अच्छे से सुनो है ना तूने? उसका हर एक अक्षर भगवान श्री नारायण से संबंधित है, जैसे उन्हीं का स्वरूप है तू। बस मैया, ये सत्य आपसे छुपा रहे इसी कारण बाबा के लिए ये जानना आवश्यक है। फिर चाहे इसे स्वीकार करना उनके लिए कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। नहीं नंद, ये सत्य उन्हें आप नहीं बताएंगे। स्वयं प्रभु ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं। गुरुवर, कंस के आक्रमणों की जानकारी यशोदा से पहले ही छुपाकर रखना कठिन था, अब इतना बड़ा सत्य मैं यशोदा से कैसे छुपाऊंगा? आपको छुपाना ही होगा नंदराज, यही प्रभु की इच्छा है। पर क्यों गुरुवर? ताकि नारायण अपनी मैया की ममता का अनुभव कर पाए, यही तो उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य? हां नंदराज, नर नारायण के अवतार में अपनी तपस्या करते समय प्रभु ने जो अनुभव किया था, उसके कारण ममता के सुख का अनुभव करने के लिए प्रभु व्याकुल हो उठे थे। ऐसा क्या हुआ था मुझे भी बताइए। हो सकता है ये बात इस सत्य को स्वीकार करने में मेरी सहायता करे। बहुत समय पहले की बात है, अनेक देवी देवता परम प्रभु विष्णु के पास बैकुंठ गए थे। वहां प्रभु की आंखों में आंसू देखकर वो सभी स्तब्ध रह गए। प्रभु, आपकी आंखों में आंसू? चिंता मत कीजिए, आप सब तो जानते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मैंने नरसिंह अर्थात आधे मानव और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया था। उस राक्षस का वध करने के बाद नर और सिंह दोनों भागों ने अलग अलग होकर नर और नारायण के रूप में पुनः जन्म लिया। वर्तमान में वो दोनों बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आज उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे भी भावुक कर दिया। सखा, ये युवक कौन है? निकट के एक गांव के धनी व्यापारी का पुत्र है ये। प्रत्येक संध्या वन के उस पार ये अपनी प्रेयसी से मिलने जाता है, और फिर रात्रि भर उस नर्तकी के साथ सहवास करने के बाद सुबह अपने निवास को लौट आता है। यदि
यही इसका नित्य क्रम है, तो फिर आज ये इतने तनाव में क्यों है? कल रात्रि प्रेम क्रिया के मध्य उस नर्तकी ने इससे पूछा, ये सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? जब इसने कहा तुमसे, तो वो बोली, तुम्हें अपने प्रेम को सिद्ध करना होगा, अपनी मां के हृदय को उसके तन से अलग कर मुझे सौंपना होगा। मां का हृदय? फिर क्या हुआ प्रभु, वो लाया अपनी मां का हृदय? ये जिज्ञासा यक्ष प्रश्न बनकर पूरे दिन नर और नारायण के मस्तिष्क में कौंधती रही। उन्होंने संध्या होने तक वहीं नदी किनारे प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, ताकि वो ये जान सके कि क्या वो युवक अपनी क्रूर प्रेयसी को छोड़ेगा या वासना में अंधा होकर अपनी ही माता की हत्या करने का जघन्य अपराध करेगा। अब उसके वन पार करने का समय बीत चुका है। युवक ने विवेक का परिचय दिया है सखा। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सखा, सखा मुझे बताओ, जो अकल्पनीय था कहीं वो घट तो नहीं गया? जब इस युवक की मां को इसकी प्रेयसी की क्रूर मांग के बारे में पता चला, तो जो उसने किया वो इस समस्त संसार में केवल एक माँ ही कर सकती है। बस इतनी सी बात? संभाल के मेरे बेटे, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। संभाल के मेरे बेटे, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। संभाल के मेरे बेटे, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। ये तो उसकी मां की पुकार है। मां, मैंने क्या कर दिया? मां, मां!